सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियोज। हेलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आसिम रियाज के बारे में और सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। अब इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के सबसे फेमस कंटेस्टेंट में से एक हैं। इन दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं आपको बता दूं कि सॉन्ग इनके कितना धमाल कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि आसिम रियाज का सॉन्ग है कल्ला सोना नहीं। दो सॉन्ग आसिम रियाज के रिलीज़ हो चुके हैं, एक है कल्ला सोना नहीं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिद्धार्थ शुक्ला की तो उनका सॉन्ग है भुला दूंगा। इन दोनों सॉन्ग में से कौन सा सॉन्ग धमाल कर रहा है? वैसे मैं बता दूँ, भुला दूंगा ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। क्या रिकॉर्ड है वो अभी बताऊँ, उससे पहले बता दूँ कि जो कल्ला सोना नहीं उसके व्यूज़ बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो रहे हैं। 57 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, यानी कि 5 करोड़ 70 लाख, और 1.7 मिलियन लाइक्स भी क्रॉस हो चुके हैं। अगर मैं कमेंट्स की बात करूं तो 3 लाख से ज़्यादा कमेंट्स भी इस सॉन्ग पे आ चुके हैं। वहीं अगर सिद्धार्थ शुक्ला के सॉन्ग की बात करूं जो कि है भुला दूंगा, इस पे 59 मिलियन व्यूज़ हुए, यानी कि 5 करोड़ 90 लाख। लाइक्स की बात करूँ तो 25 लाख लाइक है, 2.5 मिलियन। अगर मैं कमेंट्स की बात करूँ तो 10 लाख कमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये किसी भी इंडियन सॉन्ग का अभी तक का रिकॉर्ड है। जहाँ दोस्तों, कोई भी ऐसा इंडियन सॉन्ग अभी तक नहीं है जिसके 10 कमेंट्स आए हो। तो ये रिकॉर्ड बना दिया है सिद्धार्थ शुक्ला के सॉन्ग, शहनाज गिल के सॉन्ग भुला दूंगा ने। तो आपको क्या कहना इस सॉन्ग के बारे में, इसके न्यू रिकॉर्ड के बारे में, और कल्ला सोना नहीं सॉन्ग के बारे में, इसके लाइक्स के व्यूज़ के बारे में, और आपको इन दोनों में से कौन सा सॉन्ग ज़्यादा पसंद आया वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।